वर्तमान मीडिया के पास यदि एक एंगल होता, इस किसी इन पांच लोगों में कोई एक भी मुसलमान होता, तो क्या भैया की जो अभी एंकरिंग चल रही है ऐसी ही होती? नहीं, ये खूब चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर, खुदक खुदक कर, यहां से वहां पूरे स्टूडियो में भाग भाग कर दंगे करवाने के लिए पूरा माहौल बना देते, इतना माहौल बना देते कि इस देश के मासूम हिंदुओं को मुस्लिमों की नफरत वाली आग में झोंकने के लिए पूरा तैयार कर देते, सारा दिन शोर मचाते, सारा दिन शोर मचाते कि देखिए न जाने कौन कौन से एंगल निकाल लेते, पाकिस्तान ने हमला करवाया है, या फिर और दुनिया भर की चीजों को उसमें शामिल कर देते। और जो आने वाला चुनाव है, हो सकता है इसके लिए भी इसको मुद्दा बनाकर लोगों के जहन में इसी को सबसे ऊंचा और सबसे विशाल मुद्दा बना देते। नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे दबा देते। अब भी वो इसमें सफल रहते हैं। इसी मनुवादी मीडिया, गोदी मीडिया की अगर बात करें तो इसी की पत्रकारिता में जब आप देखेंगे, वो क्रैकर्स एक पत्रकार ने अपराधी के हाथ से छीन लिए, वहां पर उस जो हमलावर थे उनके हाथ से छीन लिए, तो बाकी जो पत्रकार थे, जो खुद को बहुत बड़ा पत्रकार बताते हैं, लेकिन उनकी जोकर पत्रकारिता आप देखेंगे तो आपको हंसी आएगी, क्योंकि लोग उसमें अभी भी आनंद ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं। लोग कह रहे हैं इतनी जोकर पत्रकारिता नीचे गिर, देश की पत्रकारिता इतनी जोकर पत्रकारिता पर नीचे गिर पड़ेगी, ये सोचा नहीं था। आपस में पत्रकार लड़ पड़ेंगे यह कभी नहीं सोचा था। पत्रकार आपस में लड़ रहे हैं, उस क्रैकर्स को लेकर भाग रहे हैं, जबकि वो एविडेंस है, जबकि वो जांच का विषय है, उस पर फिंगरप्रिंट्स भी सबके आ चुके होंगे, लेकिन नहीं, ये तो ऐसे लगता है विदाउट ट्रेनिंग के ही चले हैं पत्रकारिता करने, इन्हें पता ही नहीं है कि इनका कोई राइट्स नहीं बनता। जब घटना स्थल पर किसी भी ऐसे चीज को छूने का जिससे वहां घटना करी जा रही है, लेकिन नहीं, वो तो भाग रहे हैं। और दीवार कूद कर एक पत्रकार भाग जाता है, उसका कैमरा पर्सन पीछे पीछे भागता है, केवल खबर बनाने के लिए, केवल व्यूज पाने के लिए, ये इनकी पत्रकारिता है। दूसरा, देश की अगर आप बात करें सुरक्षा की, बाहर कोई सुरक्षित नहीं, देश की सबसे बड़ी महापंचायत अगर वो सुरक्षित नहीं है, यहां बात महापंचायत की चल रही है, यानी एक संसद की चल रही है, संसद में बैठे सांसदों की नहीं। अगर संसद में बैठे सांसदों की करें तो संसद में बैठे सांसद बाहर के अपराधियों से ज्यादा बड़े बड़े अपराधों के मुकदमे उन पर चल रहे हैं। मैं बात कर रही हूं संसद की सुरक्षा की, क्योंकि आज यहां अगर अंदर सांसदों की बात करें तो बलात्कार के केस में भी बहुत सारे सांसद अपराधी हैं, दोषी हैं, हत्या में भी हैं, अलग अलग प्रकार के एक एक सांसद पर लगभग 10-10, 12-12 मुकदमे चल रहे हैं। यहां बात सांसदों की सुरक्षा की नहीं कर रही हूं मैं, यहां बात संसद की कर रही हूं, क्योंकि इसी संसद में देश के प्रधानमंत्री भी बैठते हैं, इसी संसद में मुख्यमंत्री भी बैठते हैं। आज हो सकता है भ्रष्ट हो, करप्ट हो, लेकिन इसी संसद में कल अच्छे लोग भी बैठेंगे या बैठे होंगे। इसी संसद में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी बैठे थे। तो ऐसे जो सब देश की सबसे बड़ी महापंचायत कही जाती है, उसकी सुरक्षा अगर इतनी ढीली है, और उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने वाले खुद वर्तमान सरकार के एमपी हैं, और वो अपने सिग्नेचर पर, अपने बिहाफ पर अगर पास देते हैं, पास मुहैया कराते हैं, केवल इसलिए कि आप जाओ अंदर, और वो ये भी नहीं जांच करते हैं कि ये कौन है, ये किस मंशा से आए हैं। ऐसे कल को कोई आतंकी आएगा और आपसे पास मांगेगा, और आप ऐसे जैसे कि भाई कोई सर्कस चल रहा है, सर्कस में आप किसी को सर्कस देखने के लिए पास दे दिए, जाओ चले जाओ, कोई मतलब ही नहीं है। आपकी जिम्मेदारी पर आपने पास दिया है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देश के अंदर अभी भी आपको शायद जानकारी हो, एक सांसद डीएमके के जो सस्पेंड कर दिए गए हैं, जो कल जबकि उस कार्रवाई में थे नहीं, कल संसद की कार्रवाई में मौजूद नहीं थे, 13 सांसद। आप हैरान होंगे जानकर कि कितने लोगों को सस्पेंड किया गया है। इस देश में
इस देश के अंदर जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए उनको बचाया जा रहा है, और जिन पर नहीं होनी चाहिए उनको जबरन अपराधी घोषित करके अपनी जगहों से हटाया जा रहा है। अभी आपको ये सदन के ये सांसद हैं, इनका नाम है बीजेपी के सांसद, डीएमके के सांसद हैं, जिनको कार्रवाई से हटा दिया, जिनको सस्पेंड कर दिया गया। इसमें 8 सुरक्षाकर्मी सस्पेंड किए गए हैं, 15 विपक्षी सांसद सस्पेंड किए गए हैं, लेकिन जिनके कारण संसद में उत्पात मचा, जिन्होंने पास बनाकर दिया, वो सांसद प्रताप सिन्हा जी, उन पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, वहां सन्नाटा है। ऐसा क्यों? आखिर हमारी सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती जिनकी वजह से देश की संसद तक खतरे में है? आखिर उनको सस्पेंड कब किया जाएगा जो पास बनाकर देते हैं अपनी जिम्मेदारी पर कि आप अंदर आइए, और सुरक्षा को तोड़ते हुए उन लोगों को अंदर आने की अनुमति देते हैं? इतना आसान नहीं संसद के अंदर घुसना, क्योंकि संसद में जाने के टाइम पर बेहद टाइट सिक्योरिटी होती है, पर यहां सिक्योरिटी अगर टूटी है, वो पहले से बिठाए गए हैं या साथ लेकर आए गए हैं, तो ये कोई भी आम आदमी नहीं कर सकता। ये वही कर सकता है जिसको वहां अथॉरिटी प्राप्त है। और यहां पर बीजेपी के सांसद की ओर से जो लापरवाही हुई है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।